नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अल्टीमेटली वो दिन आ ही गया जहां पर एक तरफ जुगल किशोर शर्मा और उसके साथ रमन भल्ला जी ने आज नामांकन भरने डीसी ऑफिस के अंदर गए हैं। पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा थोड़ा ये जो डीसी ऑफिस के बाहर का नजारा है क्या लगता है आपको? ये जनता खुद डिसाइड करेगी कि किसकी तरफ इस तरह जनता का पलड़ा जो भारी है किस नेता की तरफ है। ये साफ तौर पर दृश्य आपको यहाँ के दिखा रहे हैं डीसी ऑफिस के बाहर से। लोगों के चेहरों पर खुशी है, लोग कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि दिल्ली उनकी तमन्ना के बदलाव होना चाहिए, पर ये तो वोटिंग के दिन पता चलेगा। सर क्या नाम आपका? मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लगातार आपको देखते रहते हैं, लेकिन कल जब आपने तीखे सवाल किए भारतीय जनता पार्टी जुगल जी फार्म भरने आए तो उनके जो नेता थे जो उनके छिटपुट नेता थे वो कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आए। जब आपने कहा कि भाई भतीजा बात चल रहा है, आज भी आपकी आंखें नहीं खुली, आपने जम्मू कश्मीर को लुटा दिया, जम्मू कश्मीर के संसाधन लुटा दिए, जम्मू कश्मीर का हक लुटा दिया, लेकिन आज भी आपकी आंखें नहीं खुली, आज भी एमपी साहब की बहू लगती है, एमपी साहब का बेटा लगता है। जब आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये सवाल पूछे तो वो कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हमें फख्र है आप जैसे पत्रकारों पे जो कम से कम पूरी किसी से बिना भय के ये सवाल पूछती है और इनके मुंह में कोई जवाब नहीं होता। इस बार वोट किसको देकर दिया जाएगा, किस तरह की नीतियां जनता ने बनाई है ये बताइए, क्योंकि आज का जो जमावड़ा कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे जो भाजपा लगातार दावे कर रही है, अब दावा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि विक्ट जीत जो कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार कांग्रेस की बनी, वहां भाजपा वहां दावा भाजपा कर रही है, यहां दावा जनता कर रही है। ये जनता का दावा है, ये जनता दिखाएगी कि 400 पार जो तुमने जुमला लोगों में फिर फेंका है वो 400 पार इसलिए मांग रहे हो, तुमने ये कानून की जो विध्वंसता करनी है उसको डिस्ट्रॉय करना है इसलिए आप 400 पार मांग रहे हैं। अगर आपने लोगों की हक की बात करनी होती तो आप 400 पार नहीं मांगते, आप लोगों का जनाधार मांगते, लोगों की आवाज बनते, लेकिन आप लोगों की आवाज नहीं बनी। हमें दुख है इस बात का कि जम्मू कश्मीर का नौजवान युवा किसान साथी आज सड़कों पे है, इसलिए ये भल्ला साहब ने पैसे देके भीड़ नहीं बुलाई, ये लोग अपने दिलों से देखो इनके चेहरे कि आपको लगता है ये लोग पैसे देके आए हुए हैं, ये लोग भल्ला साहब की आवाज बनेंगे, कांग्रेस पार्टी की आवाज बनेंगे और जो यहाँ का हमारा हक लूट के दिल्ली ले गए हैं उनको एक बार जगाना चेताना और उनको बताना जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, यही हमारी आवाज है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो अगर बात करें जुगल किशोर शर्मा की या अगर बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो कहते हैं मोदी जी को वोट कीजिए, तो उनका कहना था अनुराग ठाकुर जो उनके केंद्रीय मंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि अगर रमन भल्ला जी चौधरी लाल सिंह अगर कहेंगे हमें राहुल गांधी जी को वोट दो तो एक भी लोग उनके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। अपनी कोई करदूता होनी चाहिए, वोट अपने करदूते मंगे जाता है या पापे मंगे, मैं पेपर देगा मी किसा होना भी चाहिए नहीं, या मेरे पापे पेपर देने जाना पेपर दे मिगी मैं के पढ़ रहा मैं सवाल जवाब देगा तो हाँ पढ़े कख नहीं, पापा पेपर दे, पापा 4 बारी पेपर पहले दे चुके पेपर पापा न्याणे आले नर्सरी च गया, मैं पूछा भी जरा तुम ग्रां गोदी ले रहा चली पाया नहीं चली पाया वो रहेगा उस गांव की हालत बड़ी खराब, मैं कह रहा उस गांव की इन्होंने जम्मू कश्मीर की हालत खस्ता कर दिया, गोद लिया मैडम अभी रेंगता भी नहीं कसूत गए भी नहीं मारता हो मैडम जी, बुलेट ट्रेन इन्होंने चलाई थी वो कहां तक पहुंची और मेट्रो पूरा हो गया, मेट्रो आपके घर पहुंच गई, हमें लगता है आप पत्र का ये कवर करने प्रोग्राम मेट्रो से आए होंगे, सच नहीं 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 ऐसी मेट्रो हमारे घर तक कहां पहुंचेगी अगर आएगी। हमारे एक बड़ी बड़े जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार गणेश में गाजर में गणेश ढूंढते हैं, मैं एक बार कहीं मेट्रो ढूंढ के बताइए हमें, वो कभी गाजर में गणेश कभी दीवार में शिव कभी कहीं, ये देश आस्था का देश है, इन्होंने बड़े 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 वादे जो किए थे जो गरीब आदमी हर बात वाला जहाज में सफर करेगा, हिंदुस्तान के नागरिक को वेशभूषा से पहचानते हैं मैडम, उसके करेक्टर से नहीं पहचानते, उसके उसके उसका जो काम करने का तरीका है, जम्मू कश्मीर को इन्होंने बांटा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, आज यही भाई हमारे हैं, मैं कहता हूँ ये हमारे साथ, लेकिन इनके दिलों में एक डर है क्योंकि अगर इनके दिलों में जलसा देखो किलो जलसा देखो आया किसी वास्ते आयो जलसा देखो आया जलसा देखो आया वोट किलो पाने हो ऐसा डर का माहौल कहा है इमरजेंसी, ये लोग बोलते हैं ना कांग्रेस की इमरजेंसी है, बिना बताए इमरजेंसी है, बीफ के नाम पे गाय माता के नाम पे लोगों को भड़काने वाले बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं, मंदिरों को शहर में शराब की दुकानें खुलाते हैं, हमारी रेत बजरी
पंजाब में बेची जाती है और ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चलाया जाता है। और एमपी साहब को पूछा कि उनकी वाशिंग मशीन, उन्होंने कहा भ्रष्टाचारियों को धोखे अपने में मिलाने में काम आती है। ये वाशिंग मशीन कौन सी कंपनी बनाती है? ये मोदी जी की वाशिंग मशीन है ना, जो दो छह महीने पहले लैंड ग्रैबर थे वो इनके साथ आके दूध के दुले हुए। तो बहुत शर्म की बात है, इन्होंने राजनेता जो राजधर्म था उसको निभाया नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस समय हमारे साथ सांबा के डीडीसी चेयरमैन इनसे जानते सर आपका नाम। मैं बीडीसी चेयरमैन सांबा, बीडीसी चेयरमैन और विजय टुकोता मेरा नाम है। हम भल्ला साहब का समर्थन में सभी लोग आए हैं। तो मैडम जी, हमने दो मेंबर पार्लियामेंट पहले दो बार चुनके गए, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अपने जुगल किशोर शर्मा जी। तो हमारा जो गोवाल लगा है 50,000 का जो वोट है, वो पहले हमारे जितेंद्र सिंह की मेंबर पार्लियामेंट थे, कभी उन्होंने कभी लोगों के हक में कोई बात नहीं की। दोनों हमारे मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से थे, जम्मू को जब पीड़ता बनी इन्होंने इंटरनेट हमारा बंद किया, कभी इन्होंने आवाज उठाई? हमारे रोड का जो हाल है, जो टोल का हाल है, कभी इन्होंने आवाज उठाई? दोनों ने कभी पब्लिक हित में कोई आवाज नहीं उठाई। और आज इलेक्शन आया, खुद ही कह रहे हम जीत गए हैं, लोगों से वोट नहीं मांगा, लोगों का राइट है जो कुछ ना कुछ तो सोच के बोला ना हम जीत गए। नहीं, वो खुद ही ऐसे ही बोल देते हैं हम जीत गए उसी चक्कर में। और जो कहते हैं डेमोक्रेसी में वोट मांगना है, मैं भी बीडीसी चेयरमैन में सरपंच रहा हूँ, 3 बार लोगों से पांव हाथ लगाते हैं, मिन्नत करते हैं, उनको वादा करते हैं, उनके काम आते हैं, तब हमें बार बार कोई वोट देगा? ऐसे क्यों बार बार वोट देंगे? तो जिन लोगों ने धोखा किया है जम्मू के साथ, कभी कोई कभी इनको वोट नहीं मिलने वाला। कोई जम्मू कश्मीर में कोई एक आदमी बता सकता है कि ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएम हाउस में बैठे, किसी को डीओ लेटर दिया? हमारे जुगल किशोर शर्मा जी किसी की ट्रांसफर करवाई? किसी की नौकरी में कोई मदद की? किसी का बिजली और पानी की कोई सहूलत के लिए कोई मदद की इन्होंने? तो मेंबर पार्लियामेंट को किस उन्होंने ये सोचा होगा, नहीं भी जनता के पास जाएंगे मोदी जी के नाम पर तो वोट मिलना ही मिलना। बिल्कुल, बार बार ये मोदी के नाम पे आप पूरा देश जान चुका है। अब जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, जो छरेआम करप्शन ये कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं हमें ईमानदारी किस बात की ईमानदारी कर रहे हैं? ये पहले बताते थे जो महा करप्ट आदमी है, जिसको 10 दिन पहले उसके खिलाफ ये बोलते हैं महाराष्ट्र में, और हफ्ते के बाद उसको दोबारा ले लेते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बना देते हैं, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट पे। इसी शर्म की बात और क्या हो सकती है? पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री की किसी टाइम इज्जत की लोगों ने, लेकिन आप भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में ऐसे ही घुसाओगे और बोलोगे नहीं? कोई छोड़ा है पूरे भारत में इन्होंने? जितने भी भ्रष्ट थे सब अंदर ले लिए, और कांग्रेस पार्टी ने जो कभी अपना भी भ्रष्ट था उसको जेल में रखा, कितने लोग आज भी जेल में है। तो मैं सभी जनता को अपील करना चाहता हूँ, ये दोनों मेंबर पार्लियामेंटों ने धोखा किया लोगों के साथ, कभी हमारे साथ खड़े नहीं रहे, लोगों की जमीनें छीनी गई। यूपी और बिहार के लोग जहाँ जो आके बैठे हैं, कमीशन सेक्रेटरी जितने हमारे इम्प्लॉई भाई है, सबको जम्मू के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, उनको दूर दूर तीन तीन ट्रांसफर कर रहे हैं साल में, और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। माइनिंग हमारी पूरी उन्होंने बर्बाद कर दी है, ये जम्मू को बर्बाद करने में तुले हैं जम्मू कश्मीर को, और ये बाहर के लोग आए हैं। जवाब देगी वोट की? बिल्कुल, जवाब देख रहे हो, पूरा जनसलाब जो आया है दुनिया भर के, जहां लोग आए हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी कोने कोने से लोग आए हैं, रमन बल्ला को जिताएंगे, अपनी आवाज दिल्ली में पहुंचाएंगे। आपका नाम? तारिक हुसैन जरगर, मैं डोडा से हूं। आप भी आए आज यहाँ? हाँ, हम भी आए रमन बल्ला के लिए। और हमारा खास बात है रमन बल्ला जी में, देखिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 सालों से, हम तो नौजवानों की बात करेंगे, नौजवान इतने नशा में मुब्तला हो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है कि ये रियासत हमारा खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। मेरी इस जलसे की वसासत से मैं अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार इस नशा से वापस आओ और इस रियासत को बचाओ, वरना यहाँ हम खत्म हो जाएंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखो, जो पहले सदियों से चला आ रहा था, हमारे जो दादा परदादा चाहे किसी भी कौम से थे वो बताते कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ होता, लेकिन आज एक दूसरे की नफरत कराई जा रही है। हमारी मांग है कि यहाँ एक बार हम दोबारा वो फिर वापस 2014 से पहले जो यहाँ हालात थे, और यहाँ जितने बिहार यूपी झारखंड न जाने कहाँ कहाँ से हमारे प्रोविंस जम्मू में एडजस्ट किए जा रहे हैं, इसलिए हमें इस चीज को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा तमाम लोग। साफ तौर पर आप देख रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आम जनता का कहना है, जो हमारे साथ खड़े नहीं हुए आज जनता वोट के माध्यम से उन्हें वोट की चोट जरूर देगी। इस समय डीसी ऑफिस के बाहर के हम आपको दृश्य बताएंगे, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है, इन्हें भी श्रेय जाता है इस चीज का। और
और इस समय आप देख रहे हैं दृश्य जो आपको सारे पूरी तरह से दृश्य बता रहे हैं यहाँ पर डीसी ऑफिस के। और देखिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है और साफ तौर पर आम जनता का जो रुझान है सर क्या गया दिखा जरा जन सैलाब है क्या एक तरफ मोदी सरकार 400 के पार इस तरफ विपक्षी तलाक दे रहे मोदी सरकार इस समय लखनपुर के पार क्या ओम प्रकाश सीपीएम लीडर स्टेट सेक्टर मेंबर जहां तक सवाल है 14 के बाद जो मोदी जी ने नारे दिए थे 15 लाख आएगा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और बाकी वो यहाँ का डेली वेज को प्रवण करेंगे देखने में क्या आया। किसान आंदोलन में थे 750 किसान शहीद हुआ, आपके सामने मजदूर रोड पे हैं आंदोलन पे हैं और ये लेबर ला खत्म कर रहे हैं। लेबर का खत्म करने के बावजूद मोदी ने आर्मी की भर्ती खत्म करके मोदी जी ये लेकर अग्निवीर लेके आए और हिंदुस्तान स्कॉटिश साथ धोखा किया। जो मीडिया में प्रचार है मोदी नहीं आएगा, परसों की रैली ने ये बता दिया कि इंडिया अलायंस जहां आएगा दबा के एनआईए से दबा के सीबीआई से दबा के ईडी पीछे करके दो दो चीफ मिनिस्टर को पीछे लगा के ये होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों से हमारी सबसे अपील है मजदूर क्लास को, किसान क्लास को, नौजवान क्लास को अपील है अपने आप को बचाने के लिए इंडियन अलायंस को वोट दे। जम्मू में रमन भल्ला जी को जिताए और जम्मू में रमन भल्ला जी को जिताए और वहाँ दुआ कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ लाल सिंह को जिताए। क्यों इनकी हार मुकम्मल है। आने वाले दिनों में जो स्टेटू में जो कंपेन चल रही है मोदी की हार बुखलाया है, बुखला कर मोदी गति अभियान वो तो अभी भी कह रहे हैं हमारा 400 पार है चाहे कोई भी कुछ इंडिया लाइन जो मर्जी कर होगा 400 पार नहीं है ये तो 180 पार नहीं करेंगे मोदी जी 180 पार नहीं करेंगे। मैंने बता दिया नहीं मैं बता दिया आपको सीपीएम की तरफ से इंडिया लाइन को सपोर्ट यहाँ पर रमन भल्ला जी को और वहाँ पर कठुआ में वहाँ पर लाल सिंह सपोर्ट और हमारे संगठन आंगनबाड़ी हो आशा हो एम्प्लॉई हो किसान हो नौजवान हो डोर डोर में जाके हम इंडिया लाइन को बढ़वाएंगे यहाँ रमन भल्ला को जिताएंगे वहाँ लाल सिंह को जिताएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेंगे। अच्छा वो जो अपने हाँ बिल्कुल हमारे जो जो भी कैंडिडेट होंगे वो जीतेंगे मतलब इंडिया लाइन से मन बना लिया बुखार फेंक रहे हैं सरकार बोधरा जी जम्मू की जनता की आज के दौर में भी जम्मू की जनता की मांग है आज के दौर में हमारे जम्मू कश्मीर के युवा नशे में पूरी तरह से उनका भविष्य अंधकार में हो गया आज उनकी यही पुकार है कि नशा फ्री हमारा जम्मू कश्मीर चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज हिंदुस्तान के अंदर स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी को जड़ से गोदना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राय में शरेआम चीजा बिक रहा है बैंक माइनिंग माफिया ड्रग माफिया लिक्विड माफिया ये भारतीय जनता पार्टी के राज ने जम्मू के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। स्मार्ट मीटर जम्मू के लोगों के खाने के लिए राशन नहीं जहाँ जगह लाखों की तादाद में मिला रहे हैं। अगर माननीय रमन भल्ला जी जीतेंगे बड़े मार्जिन से जीतेंगे डेली वेजों को परमानेंट किया जाएगा स्मार्ट मीटर खाएंगे ये दावे से कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू को लूटा है वो आने वाले समय में जनता नहीं भूल पाएगी क्योंकि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी से बात जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता है क्योंकि ये तो आपने आज शो हो गया है कि जम्मू की दोनों सीटें चाहे वो चौधरी लाल सिंह हो चाहे वो जम्मू के रमन भल्ला साहब हो बहुत बड़े माध्यम से जीत चुके हैं जीत रहे हैं अब फैसला आना बाकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कोई नहीं है चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में एक तरफ अब इंडिया अलायंस जो है सामने खड़ी हुई है क्या लगता है जिंदा चाहे भले ही 10,000 आपकी गैदरिंग हो 50,000 हो उसे वोट में कन्वर्ट करना कन्वर्ट होगी तभी जीत उसी की होगी ना। मैडम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लक्ष्मी मैडम जी आपने बहुत साथ दिया मैं आपका इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा डोगरों के लिए खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज किसी लीडर से मुकाबला नहीं है आज जनता से मुकाबला है जनता ने इनको निकाल
जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी खत्म है। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीमें लाई है ना वो तबाह करने वाली लाई है। आज नारा दिया है जो सरकार जमीना छीने वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जनता के साथ है, आज साफ है भारतीय जनता पार्टी। इधर जो चौधरी लाल सिंह है वो लीड कर रहे हैं, आज जैसे सियासत में रंग बगड़ा है चौधरी साहब के आने से पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे जम्मू के डोगरों को लीड मिली है और ताकत मिली है। इतना आसान है क्या भारतीय जनता पार्टी को मार देना? अभी तो बहुत आसानी से आसानी तो है, क्योंकि आज भी वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी लहर तो आज भी दिख रही है, मोदी लहर खत्म हो चुकी है। मोदी लहर जो है आज सीबीआई ईडी और एनआईए की तुम्हारे के बने थे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जनता फैसला करेगी आने वाले वोटिंग वाले दिन फैसला करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या उनके बड़े बड़े लोग हों, वही उनके हैरान में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी बेरोजगार हैं। उन सब लोगों को बताया जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा का सफा किया जाए, पिछले 10 साल में चिट्टे की वजह से लोग मरे हैं, तो कौन दुखी है जब भारतीय जनता पार्टी। और आपको याद होगा रातों रात जुगल किशोर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था, मैं डोगरी गल करा सपना आया उन्हें भी चिप्पी पूछ में पूछे गए, हमारा मेट्रो चली गई लंबी मेट्रो को जुगल किशोर ने बहुत बड़ा स्कैम, जुगल किशोर ने बहुत बड़ा स्कैम, जुगल किशोर ने बहुत बड़ा स्कैम किया। हिमाचल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हूं हिमाचल लोग आ रहे बजाने नहीं, जिन्ना ठाकुर ठूकर अनुराग ठाकुर अगला थोड़ा नाम ही बिता जाना है। जुगल किशोर बड़े मर्जी कहने हर ना और इंक्वायरिया उसे बड़ा लोग कुछ क्या होगा। जम्मू जम्मू जेके लिंक बैंक का बड़ा बड़ा चेक बड़ा फलाना होगा तुम्हें खबर चलाई है, लेकिन जम्मू की जनता का पैसा लुटे रहा है। ठाकुर लेकिन अनुराग ठाकुर ठगी नहीं सकता, हिमाचल ने नकारिया उनका नाम अनुराग ठाकुर नहीं है, अनुराग ठग रहा है। वो ठगी करना है ठगी नहीं होती, जम्मू वाला डोगरा नहीं सिखाता। अगर हिमाचल ने नकारी उड़ा सी तो जम्मू वाले सी बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे। वो स्टार प्रचार बनिया अनुराग ठाकुर आवे ने उन्हें आख्या ठाकुर साहब ठाकुर आंदर है ठगी नहीं हो सकती, इतना ठगी हिमाचल से नहीं चली तो जम्मू नहीं चल सकती। इन्ना अनजान नहीं आन जम्मू के डोगरे जेडे ने हिंदुस्तान की आर्मी के कंधे ना कंधा मिलाइया खड़े होंगे। मेहरून इंदिरा गांधी ने सानू 2 इंच हाइट की छूट दिती, क्यों दिती? जम्मू के डोगरे जेडे इंदिरा गांधी की पहचान ही कि जम्मू के डोगरे हिंदुस्तान की आर्मी के बेच कंधे ने कंधा मिलाई लड़ते हैं, तो सानू उन्हें 2 इंच छूट दिती। और ठाकी साहब इतना ठगी नहीं चली। देख रहे कांग्रेस ऑफिस का जमावड़ा जो है डीसी ऑफिस के बाहर, इनका कहना इस पर मुकाबला जनता से है भारतीय जनता पार्टी का। जो उन्होंने वायदे किए थे उन वादों पर खरा नहीं उतरी है भारतीय जनता पार्टी, और जिन नेताओं को एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया उन्हें मैंडेट दिया है, वो 10 साल से जनता के पास आना तो दूर उन्हें देखना भी गवारा नहीं करते हैं। अब देखना यह है क्या इस बार वाकई जनता बदलाव चाहती है, क्या वाकई होगी वोट की चोट, क्या वाकई सत्ता पलटती जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी तक के लाइव दृश्य हमें आपको बताए डीसी ऑफिस के बाहर से, ये सियासत की चुनाव की रणभूमि है, ये जनता इस बार डिसाइड करेगी किसके पर जीत के किसके सर पर जीत का सेहरा बांधना है। क्या वाकई आप चाहते हैं हमारा जम्मू कश्मीर जो नशे का हब बन गया उसे मुक्त करवाना है? क्या वाकई बेरोजगारी की कगार में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है? क्या वाकई आम जनता चाहती है करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर हो? क्या वाकई जनता चाहती है हमारे अपना स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापिस मिले? ये सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या उनके पास कोई जवाब नहीं है? IMI बनाया, IIT बनाया, रिंग रोड बनाया, एम्स बनाया, बड़ा अच्छा कार्य किया, पर आम जनता उसके बावजूद भी क्यों है नाराज? जनता अपने जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जब भी रमन बल्ला जी बाहर आएंगे हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या आप मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, क्या लगता है आपकी जब अगर जनता पर विश्वास जताएगी क्या आप भी उसी तरह से धोखेबाजी जनता के साथ करेंगे या उन्हीं के साथ ऐसे झूठे वादे करेंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आज जनता इल्जाम लगा रही है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।